जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। कल कृष्णानगर से कृष्णानगर पर एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था और दोस्तों वो गाय अपनी अपने बच्चे को छोड़कर चली गई और रात भर बच्चा परेशान रहा। फिर बाद मानव सेवा संस्थान को जो आईसीयू सेंटर बना हुआ है ट्रिब्यूनल पर दोस्तों उसको यहाँ पर आईसीयू सेंटर में भर्ती कराया गया यहाँ पर। और देख रहे हैं एक दूसरी माँ है एक गाय जिसने उसको दूध पिलाने का प्रयास किया जा रहा है और वो दूध पिला भी रही है। दोस्तों अगर कोई कृष्णानगर में कोई गाय ब्याई हुई मिले, कल रात को एक गाय ब्याई थी लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ कर चली गई और मानव सेवा संस्थान के को सूचना मिली तो मानव सेवा संस्थान का रथ मौके पर पहुँचे वहाँ और बच्चे को उसको ये नगर परिषद का जो आईसीयू सेंटर है उसमें यहाँ पर भर्ती करा दिया है और उस गाय को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जिसका ये बच्चा है। और देख रहे हैं आप दूसरी गाय का दूध पिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये दूसरी गाय है जो कि दूध आईसीयू सेंटर पर दूध पिलाने का इसको प्रयास किया जा रहा है। और मानव सेवा संस्थान के जो ड्राइवर हैं राजू जी वो इस गाय को लेके आए थे और ये बच्चा इसी का है। देख रहे हैं दो गाय अपने बच्चों को भी दूध पिला रही है और दूसरे जो बच्चा है कृष्णानगर से लाया गया था उसको भी दूध पिलाया जा रहा है उसी का। और मानव सेवा संस्थान के जो ड्राइवर हैं राजू जी ये एम्बुलेंस से ही इसको यहाँ पर लाया गया था बछड़े इसको गाय के बच्चे को। और राजू जी इसको लेकर आए थे मानव सेवा संस्थान का ये रथ है और जो ये लावारिस बच्चा है इसको लाया गया था गाय के बच्चे को। राजू जी ये बच्चा कौन सी जगह मिला था आपको ये बच्चा? कृष्णानगर में मिला था मेरे को ये बच्चा। कृष्णानगर में कितने बजे? रात को करीबन 9:30 बजे करीब 9:30 बजे मैंने आपको बताया था। और ये क्या है कि अभी सुबह भी मैं इसको एक बार देख के आया इसकी माँ को, मैं और लाला दोनों मोटरसाइकिल से सारी गलियों में सब जगह ढूंढी। हमको ऐसा लगता है हो सकता है किसी ने गाय को घर के अंदर बांध रखी हो। तो हमारा ये कहना है अगर किसी ने गाय को घर के अंदर बांध रखी है तो उसको खोले या फिर इस बच्चे को उस गाय के पास ले जाए। दोस्तों हमारा ये आईसीयू सेंटर ट्रिब्यूनल पे ये गाय का जो बच्चा है यहाँ पर है और हमारा निवेदन है अगर किसी की गाय ब्याई हो और बछड़ा अगर बिछड़ गया हो तो उस गाय का तो ये ट्रिब्यूनल पे आईसीयू सेंटर पे है जमा ताकि ये अपनी माँ से मिल सके ये बच्चा। आप देख रहे हैं एक एक जो गाय है एक तीन तीन बच्चों को दूध पिला रही है। आईसीयू सेंटर पर लावारिस गाय के बच्चे को लाया गया है जो कि कृष्णा नगर से लाया गया है। दोस्तों अगर कृष्णा नगर की कोई गाय का बच्चा अगर लापता हो किसी का तो ये आईसीयू सेंटर नगर परिषद का जो बना हुआ है यहाँ से आकर अपने इस गाय के बछड़े को ले जा सकते हो। अभी भी कम से कम 2 घंटे हो गए गाय को ढूंढते हुए। अभी भी मैं कृष्णानगर में एक गाय लेने गया था और कम से कम 2 घंटा हो गए मेरे को ढूंढते हुए लेकिन इसकी ना किसी ने कोई सुराग बताया ना कोई गाय मिली। इसकी बच्चे की गाय के बछड़े की माँ नहीं मिली? हाँ वो नहीं मिली। विजय भाई साहब ने कहा था यहाँ पे तू वहाँ पे गया है तो वहाँ पे तू पूछताछ कर। तो मैंने वहाँ पूछताछ भी करी लोगों से लेकिन किसी ने कोई सुराग नहीं बताया। कृष्णानगर से लेके आए थे रात्रि को। कृष्णानगर से घुसते ही एक पत्थर की छतरी बन रही है वो जेके सीमेंट से पुती हुई एक दीवार है उसके अंदर से जाके थोड़े से गोदाम से बन रहा हमारी गाड़ी खड़ी थी। वहाँ के स्थानीय लोगों से हमारा निवेदन है अगर कोई गाय ऐसी दिखे कि जो सर ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाय को बांध रखा है भी सर।
और ये बछड़ा बाहर निकला और ये बच्चा आ गया बाहर, गाय को बांध रखा तो रात्रि के टाइम पे कुत्ते खाने का डर था। पढ़ने वाले बच्चों ने कॉल किया था विजय भाई साहब के पास, तो विजय भाई साहब ने मेरे को नंबर डाले, मैं तुरंत गया और ये बच्चा मिला, बच्चे को मैं लेके आ गया, लेकिन इसकी माँ नहीं मिली मेरे को। फिर मैंने तुरंत ही आपको फ़ोन किया जोशी जी को, और इसकी माँ की तलाश की जा रही है। फिलहाल नगर परिषद का जो आयुष्मान सेंटर है और इसमें और भी गाय है इसमें, और उनका इलाज चल रहा है, और देख रहे हैं उसका दूसरी जो गाय है उसका दूध पिलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि माँ की ममता तो माँ की ममता होती है, और ये बछड़ा भी परेशान है और वो गाय भी परेशान हो रही होगी। हमारा निवेदन है कृष्णनगर के लोगों से, अगर ऐसी कोई गाय दिखे तो ये उसके जो मालिक है गाय के, वो आयुष्मान सेंटर से यहाँ से आकर ले जा सकता है उस बछड़े को। और ये इसका बछड़ा है, इसका ये बच्चा है, छोटा वाला बछड़ा इसी का है। दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये जो गाय का जो बछड़ा जन्मजात अभी कल ही शायद जन्म लिया था रात्रि को, ताजा प्याई है, तो वो बता रहे थे हो गए 2-3 घंटा की प्याई हुई बच्ची है, रात्रि को ही जन्म लिया था और इसी अपनी माँ से ये बछड़ा बिछड़ गया। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये जो गाय का जो बछड़ा है अपनी माँ से मिले। और फिलहाल आप देख रहे हैं एक ही गाय तीन बछड़ों को दूध पिला रही है, क्योंकि माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है।